डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से रासायनिक अभिक्रिया है और समीकरण, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए आइए आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं एनसीईआरटी की बुक में कुछ बीच में भी प्रश्न होता है, तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के बीच के प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाए और फिर हम इसका आंसर फिर समझाते हैं कि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा जाए, किसी पदार्थ x एक्स लिख के दोनों तरफ ऐसे ब्रैकेट कर देना है, किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, होता है, उसके बाद स्टॉप कर लेना है, पूर्ण विराम दे देना है। अब इसके नीचे का नंबर 1 और नंबर 2 क्वेश्चन है, तो नंबर 1 में लिखा जाए होता है, फिर नंबर 1 लेकर लिखेंगे, पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, चलिए सबसे पहला बात कि पहला क्या बोल रहा है कि सबसे पहले ऊपर सवाल बोला कि कोई भी पदार्थ जो है ना एक्स है, अब उसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है भाई, तो सफेदी करने में। और हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि घरों में पुताई के रूप में जो यूज किया जाता है ना, वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसका फार्मूला होता है CaO। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि पदार्थ एक्स का नाम बताइए जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो जो पदार्थ एक्स का हम लोग यूज करते हैं घरों में सफेदी के लिए वो क्या है, वो है बिना बुझा हुआ चूना। तो पहला में बोल रहा है, सवाल पहले क्या बोला कि कोई पदार्थ एक्स है जिसका प्रयोग या उपयोग हम लोग सफेदी के रूप में करते हैं, सफेदी करने में। तो अब इसका पहला में बोल रहा है कि उसका नाम बताइए, एक्स का नाम, कोई भी पदार्थ होगा उसका एक्स का नाम और उसका सूत्र। तो पहला का जो आंसर होगा, नाम में लिख दीजिएगा, नाम के आगे, नाम भी पूछ रहा है उत्तर में, नाम के आगे लिखिएगा बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र भी पूछ रहा था ना, तो सूत्र में लिखिएगा CaO। तो ये पहला का हम लोगों का आंसर हुआ कि उस पदार्थ एक्स का नाम क्या है, तो उसका नाम बिना बुझा चूना भी बोल सकते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो CaO, इसका होता है CaO। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे होंगे पहला का ये आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन लिखेंगे। बोल रहा है क्रियाकलाप 1.7 में, एक परख नली में एकत्रित गैस का मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, पूर्ण विराम, उस गैस का नाम बताएं,
उस गैस का नाम बताएं। चलिए तो सवाल क्या बोल रहा है कि एक बुक में ही क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप का मतलब एक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम लोग प्रयोगशाला बोलते हैं, प्रयोग करना बोलते हैं, उसी को हम लोग क्रियाकलाप भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्रियाकलाप आपकी किताब में 1.7 दिया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक परख नली में जो एक पदार्थ है दूसरे से दोगुना क्यों हो जा रहा है और उसका नाम बताइए। तो उस परख नली में आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया जा रहा है, और इसी दोनों के मिलने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है, 2H2O। आप देख पा रहे होंगे कि जल का यहां फार्मूला क्या मिल रहा है, H2O। तो यहां पे देख पा रहे होंगे आप कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से संख्या कितना है, दो गुना है, हाइड्रोजन यहां पे दो है और ऑक्सीजन यहां पे एक है। तो यहां पे बोल रहा है कि जल में कि क्रियाकलाप 1.7 में जो परख नली में जो भी लिया गया है प्रयोग करने के लिए, उसमें एक पदार्थ दूसरे के पदार्थ से दोगुना क्यों हो रहा है, यानी कि H2O1, यानी कि जल का फॉर्मूला H2O, तो H दोगुना है किससे, ऑक्सीजन से। अब बोल रहे हैं उस गैस का नाम बताएं जिससे दोगुना है, तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका सटीक आंसर लिखते हैं, उत्तर लिखा जाए क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में, एक परख नली में एकत्रित गैस का मात्रा दोगुनी है क्योंकि जल के विद्युत अपघटन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, दो अनुपात एक है। क्यों दो अनुपात एक बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला जल का इतना होता है, हाइड्रोजन दो है, अनुपात ऑक्सीजन एक है, इसीलिए बोलने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अनुपात एक है, अर्थात हाइड्रोजन गैस की मात्रा, ऑक्सीजन गैस से, दोगुनी है, चलिए तो हम लोगों का यही क्वेश्चन था कि आखिर एक पदार्थ या एक गैस दूसरे से दोगुना क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहां पे जल का विद्युत अपघटन किया जा रहा है, यानी कि जल बनाया जा रहा है, तो किससे बनाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो हम लोगों को बन रहा है, और पता है ना ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन की वियोजन, ये है संयोजन, क्योंकि दो या दो से अधिक कारक के अणु जुड़कर एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, दैट मीन्स ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों का पूरा दो ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में, प्रश्न में। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसा कि पता है हम लोगों को अभिक्रिया मुख्यतः पांच प्रकार के पढ़ना है, पहला था संयोजन, दूसरा था वियोजन, तीसरा था विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, और पांचवा था उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं, कौन सा भाई,
तो अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया। तो हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिर चीजों को समझेंगे। लिखा जाए वे अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, कौमा विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर विस्थापन अभिक्रिया कहते किसको है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो जरा अच्छे से समझिएगा विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़े हैं। तो क्या लिखे इसमें कि वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व के साथ संयोग कर जाता है या उसके साथ भाग ले लेता है, यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व के साथ क्या कर लेता है, स्थान ले लेता है। यानी जैसे मान लिया इसका जो रूल्स होता है ना, इसका रूल्स पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया ए एक यौगिक है और यहां पे एक बीसी यौगिक है, एक तत्व है और ये बीसी एक यौगिक है। इसमें बोल रहा है क्या कि एक जो अकेला तत्व है और ये जो दो को मिल गया तो इसका नाम हो गया यौगिक। तो ए प्लस बीसी रहेगा, हम रूल समझा रहे हैं। तो अगर ए का बी के साथ, यानी कि ए जो है अकेले तत्व है, जैसे मान लिया कि ए अकेला है और बी सी दो ठो है, तो इसमें विस्थापन कैसे होगा। विस्थापन का मतलब होता है अपना जगह को बदल देना। तो अगर हो सकता है कि या तो ए के साथ सी बन जाए और बी निकल जाए, या फिर एक और हो सकता है ए के साथ बी बच जाए और सी बाहर निकल जाए, यानी कि प्लस। यानी कि अगर कहीं ऐसा रिएक्शन हो रहा है तब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे फिर, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि हम लोग सिंपल ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई एक तत्व है, एक तत्व का मतलब अकेला वाला को तत्व बोला जाता है, ये एक तत्व हुआ और ये एक यौगिक हुआ। जब कोई एक तत्व यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो होता क्या है ना कि ये तत्व जो है यौगिक के दूसरे तत्व के साथ भाग लेता है, विस्थापित कर लेता है, स्थान ले लेता है, जगह ले लेता है। जैसे अब ये रूल तो लिखना है उसके नीचे, अब जरा बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग कि जो विस्थापन अभिक्रिया का होगा। पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लिया कि एक आयरन लिया, आयरन का फार्मूला होता है Fe, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन CuSO4, पता है इसका नाम है कॉपर सल्फेट। और हमेशा याद रखिए कॉपर सल्फेट हमेशा नीला कलर का होता है, इसका रंग नीला होता है, और ये है आयरन जिसको हम लोग लोहा कहते हैं। ठीक है, तो जब इसको रिएक्शन कराते हैं ना दोस्त, तो ये अकेला है ना वो SO4 के साथ, यानी कि सल्फेट के साथ मिल जाता है, यानी कि FeSO4 प्लस C। तब आप बोलेंगे कि सर ऐसा भी हो सकता है
कि एफ ई के साथ सी यू निकल संयोग कर ले और एसओ फोर बाहर हो जाए, तो नहीं। अक्सर जो होता है ना, यहाँ पे जो एक तत्व है इसके दूसरे तत्व के साथ मिलता है, जैसे एफ ई है सी यू एसओ फोर है, तो एफ ई किसके साथ विस्थापित हुआ, तो एफ ई एसओ फोर सी यू को विस्थापित कर दिया, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया का पहचान है कि अकेला व्यक्ति लड़ाई में जीतता है, यानी कि ये दोनों था और ये अकेला था, अकेला व्यक्ति ये दोनों से लड़ाई करके कॉपर को अलग कर दिया और एसओ फोर के साथ अटैच हो गया, तब हम इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका हम लोग नाम क्या लिख सकते हैं, फेरस सल्फेट नाम लिखते चलिए, काम देगा बाद में, फेरस सल्फेट। ठीक है, यह फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ विस्थापन अभिक्रिया का। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या, कोई एक तत्व यौगिक के दूसरे तत्व के साथ अगर अपना स्थान बदलता है, स्थान लेता है, तो हम लोग उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर वन था, एग्जाम्पल नंबर टू पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लिया यहाँ पे जिंक लिया, इसको जस्ता भी बोलते हैं या फिर जिंक भी बोलते हैं, ठीक है, जिंक या जस्ता को अगर फिर से कॉपर सल्फेट के साथ करें, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद रखिएगा CuSO4, इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, जब ये रिएक्शन कराएगा तो क्या रिएक्शन बनाता है भाई, तो ऐसे रिएक्शन विस्थापन रिएक्शन करता है, विस्थापन अभिक्रिया करता है, Zn जो है SO4 के साथ मिलेगा, तो यहां पर हो जाएगा ZnSO4 और अकेला व्यक्ति लड़ाई में जीतता है, कॉपर को अलग कर देता है, दैट इज जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। ठीक है, फिर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कुछ आगे, जैसे मान लिया पीबी का मतलब होता है सीसा, या फिर इसको लेड बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, इसको सीसा बोलते हैं या फिर लेड बोला जाता है, जब इसको कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड के साथ, यानी कि CuCl2, इसको क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोला जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड का जब रिएक्शन होता है, तो ये अकेला व्यक्ति ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है, तो किसके साथ विस्थापित करेगा, तो पीबी जो है Cl2 के साथ मिलेगा और कॉपर को बाहर कर देगा, PbCl2+Cu, और पीबी का मतलब लेड और सीएल माने क्लोरीन, तो इसका नाम होता है लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। तो ये सब विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग ये सीख रहे हैं कि एक तत्व यौगिक के दूसरे तत्व के साथ, यौगिक के दूसरे तत्व के साथ स्थान बदलता है, या फिर बोल सकते हैं कि विस्थापित होता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल विस्थापन की तरफ। तो और हम लोग कर सकते हैं AgNO3+Cu, यानी देखिए यहां पे हम लोग कॉपर को AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये तो कॉपर है, कॉपर का मतलब तांबा, और ये है सिल्वर नाइट्रेट, या फिर सिल्वर भी बोल सकते हैं, चांदी भी बोला जाता है, तो यहां चांदी नाइट्रेट लिख सकते हैं या सिल्वर नाइट्रेट लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए AgNO3, जैसे जल का याद किया ना H2O, और ये ऑलरेडी याद हो गया, क्यों, क्योंकि कई बार हमें इस्तेमाल करने को मिला है, उसी तरीके से आप इन चीजों को याद कर लीजिए तो बेहतर है। अच्छा, इसका विस्थापन अभिक्रिया करेगा तो कैसे बनाएगा, ये कॉपर बाद वाला यानी कि NO3 के साथ घुलेगा, मिलेगा, उसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा, CuNO3+ में Ag बाहर हो जाएगा, Ag को तो मतलब सिर्फ बोलते हैं सिल्वर या चांदी, लेकिन यहां पे बनता है वो होता है कॉपर नाइट्रेट। तो इन चीजों को ना आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं भी रिएक्शन आप देख के पहचान जाइएगा कि अच्छा
ये किस तरह का अभिक्रिया है भाई, तो विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति इसके साथ जीत रहा है, यानी कि CuSO4 के साथ जिंक कॉपर को हटा दे रहा है, अलग कर दे रहा है, तुम हटो भाई यहां से, दैट इज विस्थापन अभिक्रिया। फिर अगर आगे आते हैं पांचवा नंबर एग्जाम्पल पे, तो पांच नंबर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। अगर आयरन को हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो लोहा बोलते हैं या आयरन बोलते हैं, आयरन या लोहा, इसको नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, याद रख लीजिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो देख पा रहे होंगे FeCl के साथ ऐड होगा, तो यहां पे बनता है FeCl2, जिसको हम लोग फेरस क्लोराइड भी बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड। और बाहर क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा टू के रूप में लिखा जाता है, सॉरी FeCl, हाँ हाइड्रोजन, यहाँ फेरिक है वो एक ठो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लोरीन दो ठो है, तो इसको दो से गुना कर दिया, ये हो जाएगा रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण इसको बना दिया। तो कुल मिलाकर देख पा रहे होंगे, तो ये सभी सारा किसका एग्जाम्पल है, सभी सारा जो एग्जाम्पल्स है वो सभी सारे किसके एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का। एक और देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लिया यहां पे हम लोग करा रहे हैं छठा एग्जाम्पल, अगर यहां पे Mg रख दिया, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम को CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो MgSO4 प्लस Cu। तो यहां पे आप देख के पहचान सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है भाई, तो विस्थापन अभिक्रिया में बहुत सिंपल है, होता क्या है कि एक अकेला तत्व लड़ाई में जीतता है, एक अकेला तत्व लड़ाई में जीतता है, इसका मतलब यह हुआ कि अकेला कोई तत्व है ये दोनों को तोड़ने का क्षमता रखता है। देखो ना भाई, Cu क्या किया, ये दोनों तत्वों को तोड़ दिया और उसका स्थान ले लिया, दैट इज CuNO3, और Ag को बाहर कर दिया, क्योंकि पहले से ये दोनों यार था, कभी नहीं लड़ता था, लेकिन ये जैसे ही लड़वाया Ag को बाहर कर दिया और खुद उसके जगह पे जाकर सम्मिलित हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। याद है ना शुरू से संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो अभिकारक में कितना भी रहेगा एकल उत्पाद देगा, संयोजन। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, अभिकारक में एक ही तत्व होना चाहिए लेकिन उसका विखंडन हो जाता है, उसका उत्पाद कई भाग में बट जाता है, उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। और आज हम लोग विस्थापन अभिक्रिया सीखे, विस्थापन अभिक्रिया में एक अकेला इंसान जीतता है युद्ध में, याद रखिएगा एक अकेला इंसान युद्ध में जीत जाता है। देखिए जीत गया, अकेला था ना, अपना यार ढूंढ लिया, वो दोनों यार था ना, दोनों यार की दोस्ती टूट गई, Fe अकेला था, HCl की दोस्ती को तोड़ दिया, तो ये अकेला इंसान युद्ध में जीतता है, जीत रहा है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, दैट इज विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोगों ने विस्थापन को पढ़ा अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी देखा, तो सभी एग्जाम्पल्स को आपको नोट करने चाहिए, और जी बिल्कुल सबको देखकर आपको पता होना चाहिए कि कहां विस्थापन हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या बोला जा रहा है। लिखा जाए द्विविस्थापन अभिक्रिया में फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे वे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों के अदला बदली की क्रिया करके, जिसमें वे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसको है वो समझते हैं। देखिए द्वि का मतलब डबल, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि यहां पे दो बार विस्थापन की क्रिया हो रही है। चलिए जरा एग्जांपल में समझेंगे, ऐसे तो समझ आएगा नहीं, तो एग्जांपल पहले रूल्स कि आखिर ये रूल्स क्या होता है। तो अगर मान लिया कि इस बार दोनों यौगिक ही रहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का पहचान क्या है कि दोनों यौगिक रहता है, जैसे मान लिया ए बी और सी डी दोनों यौगिक है और दोनों की दोस्ती बदल जाती है, यानी कि दोस्ती तो रहती है, जैसे ए की दोस्ती किसके साथ थी, बी के साथ, सी की दोस्ती किसके साथ है, डी के साथ, लेकिन जब अभिक्रिया होती है तो दोस्ती टूट जाती है, किसी दूसरे दोस्ती नई दोस्त का मिलना या दोस्ती नई हो जाना, जैसे ए के साथ बी की दोस्ती थी, सी के साथ डी की दोस्ती थी, जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो ए की दोस्ती डी के साथ हो गई और बी की दोस्ती सी के साथ हो गई। अब क्या देख रहे हैं यहां पे आपको क्या पता चल रहा है, ए की दोस्ती डी के साथ, बी की दोस्ती सी के साथ। तो ऐसे अगर रिएक्शन होता है हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये एक रूल्स है, इस रूल्स से आप समझ सकते हैं कि इसमें दो 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 यौगिक रहेगा, एक ए भी यौगिक है, ए भी यौगिक है, लेकिन दोनों यौगिक आपस में क्या हो जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे रिएक्शन के बाद। जैसे कि इसका एग्जांपल करते हैं, तो पहला एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लिया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, इसका नाम क्या है, बैरियम क्लोराइड, ठीक है। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसके आयनों का अदला बदली हो जाता है, यानी इसके जो आयन है ना वो बदल जाते हैं दूसरे के साथ, जैसे Na2 के साथ Cl, यानी कि इसका इसके साथ लग जाएगा तो NaCl, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब फार्मूला थोड़ा सा ना, ऐसा नहीं है कि Na2 और Cl2 लिख देंगे, ऐसा नहीं है, जो फार्मूला बन सकता है वही बन सकता है, जैसे यहां NaCl बन सकता है तो NaCl बना दिए, फिर BaSO4, क्योंकि आप लिखेंगे कि सर आप तो बताएं SO4Ba, तो ये ढंग का नहीं है, जैसे वाटर का फार्मूला H2O होता है ना, आप OH2 तो नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहां पे ना सही से लिखा जाता है, ये उल्टा है, तो
तो इसको सही से लिखा जाए BaSO4। आप देख पा रहे होंगे NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है, उजला होता है, जो हम लोग नमक कहते हैं इसको, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बैलेंस कर लेते हैं इसको, Na कितना है दो गो, तो दो से गुना करके हम लोग बैलेंस कर लिए, Cl दो ठो था, यहाँ पे Cl दो ठो हो गया, बैलेंस मतलब संतुलित कर रहे। Ba एक ठो, S एक ठो, O चार ठो है सब चीज। और आप देख पा रहे कि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है। कैसे कैसे द्विविस्थापन हो रहा है, क्योंकि NaCl एक दूसरे के साथ एड हो रहा है, BaSO4 दूसरे के साथ एड हो रहा है। तो देख पा रहे होंगे कि दोस्ती जिसके साथ थी पहले, बाद में दोस्ती बदल गई, किसी दूसरे के साथ हो गई, दैट इज द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दोस्ती का बदल जाना, दोस्ती तो रहती है, और विस्थापन में क्या था, दोस्ती को तोड़ देना, वो अकेला तत्व वो दोनों दोस्ती को तोड़ दिया करता था, दैट इज हम उसको बोलते थे विस्थापन। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लिया सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहां पे क्या बनेगा, ये तो सोडियम क्लोराइड है, नाम नीचे लिख लीजिएगा, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट की अगर अभी क्या कराते हैं तो Ag के साथ Cl का अटैचमेंट हो जाएगा AgCl, फिर NaNO3, देख पा रहे होंगे दोस्ती बदल जा रही है, किसी और के साथ हो रही है, Ag के साथ NO3 की दोस्ती थी, अब Ag के साथ Cl की दोस्ती हो गई, Na के साथ Cl की दोस्ती थी, अब Na के साथ NO3 की दोस्ती हो गई। तो इट मींस यहां पे जो है सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। तो कुल मिलाकर ये द्विविस्थापन का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग और भी द्विविस्थापन अभिक्रिया में एग्जाम्पल को देखते हैं, दो एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर तीन। तीसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो सकता है, बेरियम सल्फेट, ऐसा करते हैं बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट लेते हैं, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2 और कॉपर सल्फेट का CuSO4, इसका नाम लिख लीजिएगा बेरियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करता है तो BaSO4, यानी कि इसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट। आप नाम लिख दीजिएगा, हम बोल रहे यहां बेरियम सल्फेट प्लस CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया द्विविस्थापन का, समझ रहे। चलिए अगले हम लोग एग्जाम्पल पे लेते हैं, सबका नया नेम यानी उसका सबका नाम जरूर लिखिएगा नीचे, फिर है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पे क्या बनेगा भाई, तो Cu के साथ S ऐड होगा, दैट इज CuS, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, और H2 के साथ SO4 जुड़ जाएगा, H2SO4, दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन मतलब H, SO4 मतलब सल्फेट, या फिर इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हम लोग को यही समझ में आना चाहिए, देखकर क्या समझ में आना चाहिए भाई, कि अगर दोस्ती बदलती है, दोस्ती रहती है, दोस्ती तो रहेगी लेकिन किसी दूसरे के साथ अगर बदलती है तब हम उसको बोलेंगे द्विविस्थापन, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड किया जाए,
और फिर हम लोग अगले क्लास में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।